गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर आज दिन है सोमवार, तो आज मुझे डांसिस के लिए जाना है और आज अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो जा रही हूँ मैं चाय बनाने। उसके बाद मेरे लिए घर के जो काम धाम है वो सब करके और उसके बाद हॉस्पिटल निकलूँगी। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा, चलिए देखते हैं दिन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज से दूध निकाल के दूध को भी चढ़ा दूंगी और चाय को भी बनने के लिए चढ़ा दूंगी। और रात में ही दूध लेके आ जाते हैं, लेकिन ऐसे ही पैकेट सहित मैं उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। रात में गर्म नहीं करती हूँ, सुबह में ही जब चाय बनाना होता है तभी मैं दूध को भी गर्म करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि आज मैंने कुकर में आलू को भी चढ़ाया, क्योंकि आज मेरी बिटिया का फास्ट है, मंडे है, मंडे को फास्ट रखती है। तो यहाँ पर मैंने आलू को भी चढ़ा दिया और चाय को छान के मैं इनको देने जा रही हूँ। लेकिन पता नहीं चाय छन्नी से चाय पत्ती का कुछ पार्ट कप में लग गया था, तो उसको मैं मतलब क्लीन करके इनको देने जा रही हूँ। और इनसे मैंने पूछा कि आप सब्जी में क्या खाएंगे, तो इन्होंने बोला कि भिंडी बना दो, तो भिंडी जल्दी से बन भी जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। रोटी सब्जी ही बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ धुल के। तो थोड़ा सा ही भिंडी और उतने में हम दोनों लोग का हो जाएगा। दाल को नहीं बनाएंगे क्योंकि दाल तनु ही खाती है और तनु का आज फास्ट है, तो दाल को नहीं बनाएंगे। और पता नहीं क्यों ना, मेरे से जब भी मैं दूध उबालती हूँ तो दूध मेरे से गिर ही जाता है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं दूसरे काम में बिजी हो जाती हूँ और दूध मेरा जो भी है जब भी गर्म करती हूँ तो मैं गिर ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध भी मेरा उबल चुका है और कुकर भी सीटी दे चुका है, आलू भी मेरा बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं भिंडी को छौंकने जा रही हूँ, बस सिंपल सा जीरे का तड़का दे के और जीरे और हींग का, और सिंपल सा भुजिया सब्जी बनाना है। और ज़्यादा तामझाम भी नहीं है कि दाल बनाना है ये बना, क्योंकि दाल खाने वाला कोई है नहीं। अगर इनको पसंद होता तो दाल भी बना देते, लेकिन दाल इनको खाना नहीं है। और बस सिंपल सा भुजिया सब्जी और रोटी बनाएंगे, क्योंकि हमको भी हॉस्पिटल रहना, अगर दो बार दोपहर में अगर भी एक बार भी खाना होता तो मैं दाल भी बना लेती। उसके बाद मैंने आटे को गूँथ लिया और आटे को गूँथ के मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि कभी भी आप आटे को गूँथे ना तो 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, उसके बाद आप उससे रोटियां बनाएंगे ना तो आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैं अक्सर आटे को गूँथ के 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ, उससे आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट रोटी बनता है। उसके बाद जितना चाय वाय का बर्तन था, सब्जी धुलने का बर्तन था, वो सब मैं धुल लूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल रहना है तो घर पे ज़्यादा मतलब जो भी काम रहता है वो निपटा के जाओ ना, तो आने के बाद थोड़ा सा सुकून रहता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है और खाने को खाली करके मैं बर्तन धुल रही हूँ। उसके बाद मैं रैक वैक सब गैस वैस जो भी रहेगा सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। मैं हमेशा अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो तुरंत खाने को खाली करके और जो भी गैस और जो भी बर्तन वर्तन निकलता है वो सब मैं तुरंत का तुरंत ही मतलब साफ़ वाफ कर लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लेंगे। और हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, सुबह में हम पहले सबसे पहले उठ के खाना बनाते हैं, क्योंकि इनको जाना होता है ना सुबह, जल्दी खाना बनाना होता है, तो उसके बाद ही झाड़ू पोछा करते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा के और हम नहा भी लिए हैं। नहाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया और हाथों में बॉडी लोशन को भी लगाया, क्योंकि नहाने के बाद स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो कभी भी आप नहाएं तो अपने फेस और हाथ वाथ पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। और उसके बाद मैं यहाँ से फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने। और ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये जो फूल है ये अनामिका का फूल है, मेरे ही गार्डन में हुआ था 5-6 फूल। ये दुर्गा माता को बहुत पसंद है और शिव जी को, तो यहाँ पे मैंने फूल तोड़ के नहाने के पहले ही मैंने फूल तोड़ लिया था, फूल तोड़ के एक बर्तन में रख लिया था। उसके बाद मैं फूल को भगवान जी को चढ़ा के और बाहर तुलसी जी को दिया वगैरह जला के उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ अपने बिटिया का आलू फ्राई करने, क्योंकि अब मेरा खाना तो बन गया है लेकिन बिटिया अगर हमारी नहीं खाएगी पता नहीं कब वो सो के उठेगी, क्योंकि रात में काफ़ी रात तक वो पड़ती रहती है, तो सुबह में उस थोड़ा सा लेट उठती है और उठ के उसे पूजा पाठ भी करना होगा। तो चाहती तो मैं छोड़ के चली जाती, वो बना ही लेती अपना, लेकिन मन नहीं मानता है कि हम खाना खा ले, मेरे हस्बैंड खाना खा ले और फिर बच्चा हमारा भूखा रहे, तो इसलिए मैं उसके लिए भी बना के जाऊँगी। और आप देख सकते हैं 9:30 बज रहा है और अब मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने नाश्ता करके अभी दवाई भी खा लिया है। 10 बज रहे हैं और सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि मंडे है आज, और मंडे को मेरा डायलिसिस, मंडे और थर्सडे मेरा डायलिसिस होता है, तो अभी मैं डायलिसिस के लिए निकलूँगी। 10-15 मिनट या आधे घंटे में मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी और आज मैं अकेले ही हॉस्पिटल जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम था कुछ, तो वो मेरे साथ नहीं आ सकेंगे।
और बिटिया को मेरे कोचिंग है, इस वजह से उसको भी ले जाना सही नहीं, और वैसे भी हॉस्पिटल में मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा है वहाँ हॉस्पिटल में जाए, बहुत इन्फेक्टेड एरिया होता है ना, और इस वजह से मैं बच्चे को ज़्यादा डिवाइड ही करती हूँ। और हस्बैंड तो जाते हैं लेकिन कभी कभी उनको काम होता है तो नहीं जा सकते हैं, तो अभी मैं हॉस्पिटल निकल रही हूँ, बाकी मैं अभी हॉस्पिटल चल के आपसे बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी हूँ और ऑटो मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, 10:30 बज गया, 11 बजे मेरा डायलिसिस होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है अंदर। टाइमिंग 11 बजे का है लेकिन मतलब नंबर वाइज होता है कब किसका नंबर आएगा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं सब, मतलब जिनका जिनका डायलिसिस होता है उनके अटेंडेंस आके लेटे हुए हैं। यहाँ पे मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, लेकिन डायलिसिस मेरा 12 बजे से स्टार्ट हुआ और ख़त्म होते होते 4 बज गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, और बीच में मैंने वही ब्रेड और चाय का वो भी खाया। अभी मेरा डायलिसिस हो गया 4 बजे के बाद, 4:30 बजे का ये है, डायलिसिस मेरा ख़त्म हो चुका है और मैं घर के लिए निकल गई हूँ। रास्ते में मैंने ऑटो किया और ये ऑटो वाले भैया ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे इतना दुआ दे रहे थे, इतना दुआ दे रहे थे, मुझे नहीं पता उनको मेरे अंदर क्या अच्छाई दिखी। उन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ था और रोज़े में किसी को दुआ देना बहुत बड़ा बात होता है, तो मेरे लिए काफ़ी प्रे किए। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, अभी शाम के 5 बजे, अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, अभी शाम के 4:45 बज रहा है। और अभी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है ना कि डायलिसिस के बाद जैसे जो बेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, वो सब तो निकलता ही है, लेकिन साथ में कुछ एक्सेस भी निकल जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो जा रही हूँ मैं नहाने, नहाने के बाद फिर चाय वगैरह बनाऊँगी और कुछ हल्का फुल्का कुछ फ्रूट वगैरह लूँगी। फिर दोपहर की मैं मेडिसिन भी स्किप हो गई है, तो अभी कुछ खा के मैं दोपहर की मेडिसिन भी खाऊँगी। अभी को मैं नहा के आ रही हूँ और जा रही हूँ कुछ, मतलब चाय बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, चाय पीने का मन है लेकिन बनाने का मन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल से आओ तो बस कोई चाय बना के दे दे, कोई कुछ काम ना कहे। तो मैं नहाने गई थी बाथरूम में, तो तुरंत ही मैं मतलब सुबह का नहाया हुआ कपड़ा था मेरा, इनका और बच्चे का, और जो मैं हॉस्पिटल पहन के गई थी वो सारे कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने लगे हाथ उसको भी धुल लिया है। और अभी सोची हूँ कि मैं थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ। डायलिसिस के बाद मतलब बॉडी इतना वीक हो जाता है ना कि कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। वहाँ पर मतलब चाय, ब्रेड, कॉफ़ी ये सब हॉस्पिटल में दिया जाता है, लेकिन मतलब है ना, तो आज मैं फ्रूट जल्दी जल्दी मैं भूल ही गई थी। अक्सर मैं ले जाती हूँ एप्पल और अनार, सेब, ये सब चीज़ मैं ले जाती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी मैं भूल गई थी। तो अभी शाम हो रहा है तो अभी मैं जा रही हूँ सेब खाने, और मैंने दूध लिया हुआ है तो अभी मैं खाऊँगी। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो जो मैंने कपड़े को धुला था वो सब कपड़ा मैं डाल रही हूँ, और सुबह का जो हॉस्पिटल पहन के गए थे वो सारा कपड़ा। और अभी आप देख सकते हैं मेरी बिटिया कोचिंग से आके शाम का पूजा पाठ कर रही है, और ये भी अपने साइड से आ चुके हैं, इनके लिए मैंने चाय बनाया। और शाम का वही खाना, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट खाना होता है, तो आज के दिन मैं अपने लिए सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पनीर खा सकते हैं लेकिन आज बिटिया का व्रत है ना, तो पनीर बनाते तो उस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फास्ट है और हम पनीर खाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने न्यूट्रीला ही बना लिया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक